सेकेंड टाइप है की स्टोन स्पीशियस। किसी भी कंसेप्ट को लर्न करने के लिए उसकी जो वर्ड में छुपे हुए मीनिंग है उसको जान लेना चाहिए। अब सिर्फ ये जानेंगे कि की स्टोन होता क्या है, फिर की स्टोन जो होगा उसकी सारी एप्लीकेशन जानने के लिए स्पीशियस को जानने के लिए उस पर अप्लाई कर देंगे। तो की स्टोन क्या है? इंजीनियरिंग में ये आपने डिजाइन देखा होगा, अपनी पुरानी बिल्डिंग में तो जरूर देखा होगा। तो ये रेड एरिया जो मार्क किया गया है यहां पर, यहां से इसको की स्टोन बोलते हैं। अब इसके रोल इसका क्या है वो देख लीजिए। वही रोल की स्टोन स्पीशियस जो हम इकोलॉजी में एनवायरनमेंट में अप्लाई करेंगे सेम होगा। अगर इस स्टोन, अच्छा ये देख लीजिए, ये स्टोन सेंट्रल है, बिल्कुल है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। बाकी सभी स्टोन्स आप इनको दूसरे स्पीशियस मान लीजिए, दूसरी प्रजातियां मान लीजिए, बाकी सभी स्टोन जो हैं ये स्पीशियस मैंने लिख भी दिया। अभी स्टोन की बात कर रहे हैं तो उस पर डिपेंड नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। अगर इसको हटा दिया जाएगा तो क्या ये गिर नहीं पड़ेंगे, क्लैप्स नहीं हो जाएंगे, खत्म नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो इसी स्टोन ने क्या दूसरे स्टोन को कंट्रोल नहीं किया हुआ? कंट्रोल किया हुआ है। क्या इसका मेन रोल पूरी ये जो छोटी सी बिल्डिंग है इसके स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, उसकी फंक्शनिंग को प्रभावित नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। तो ये इस इमेज को सामने रख के आप की स्टोन स्पीशियस के सारे डिफाइनिंग फीचर्स याद कर सकते हैं। तो अभी वो देखते हैं कि कौन से हैं। पहले एक दो एग्जाम्पल देख लें कि की स्टोन ये और इमेज है जो बता रही है कि बिल्कुल गोलाकार जो बाकी स्टोन्स हैं इसके बेस पर है। इसको हटा दिया सभी गिर जाएंगे। इट मीन्स दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग ऑन विच ऑल एल्स डिपेंड्स। ये मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है। अब ये फीचर्स हम मैंने ऐसे समरी बना रखी हैं जिनके बेस पर आप बाकी जो स्पीशियस हैं उनसे डिफरेंस भी कर सकते हैं और इसके जो डिफाइनिंग फीचर है वो भी जान सकते हैं। पहले मैंने क्या किया, की स्टोन यहां पर लिखा है, आप अपनी कॉपी पर लिखोगे। उसका दूसरा मीनिंग सेंट्रल स्टोन है तो सेंट्रल स्टोन लिखा। कैप स्टोन इसका भी मीनिंग है, ऑल एल्स डिपेंड्स अपॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सिर्फ इसका शाब्दिक अर्थ हो गया यहां तक। अब सी के सेंट्रल को मैंने उठाया तो यहां लिख दिया क्रिटिकल रोल इन इकोसिस्टम। क्रिटिकल की जगह आप क्रूशियल रोल इन इकोसिस्टम ये भी लिख सकते हो। दूसरा सी से ही मैंने दूसरा लिख लिया। अब सी को उठा के लर्न कर रहा हूं कंट्रोलिंग इकोसिस्टम, कि ये स्पीशियस बाकी स्पीशियस को कंट्रोल भी करते हैं। आगे चल के यहां पर पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रीडेटर भी होते हैं और प्रे स्पीशियस को किल करते हैं, ईट करते हैं, उनका नंबर, उनकी पॉपुलेशन बढ़ ना जाए तो उनको कंट्रोल करते हैं। ऐसे आगे चल के एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, कंट्रोलिंग इकोसिस्टम, अगर इसको रिमूव कर दिया जाए, सेंट्रल को ही लिया है मैंने, आर दूसरा वर्ड ले लिया है, पहला सी लिया था, आर लिया है, अगर रिमूव कर दिया जाए तो दूसरे स्पीशियस वो इंस्टिंक्ट लुप्त हो सकते हैं। दूसरा आर क्या है कि रिचनेस, ये अदर स्पीशियस की रिचनेस को इंक्रीज करते हैं। इट मींस इनका रोल पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। ये सी हो गया, आर हो गया, ये मैंने स्टोन का एस उठाया यहां पर लिखा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑन स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन। वो आर्केटाइप को याद कीजिए, सेंट्रल स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट, सारी बिल्डिंग का इंपैक्ट उसी पर है। लेकिन जो वर्ड बार बार यूज किए जाते हैं इसमें वो क्या है कि लार्ज इंपैक्ट, लार्ज इन्फ्लुएंस, एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस, डिसप्रोपोर्शनेट इंपैक्ट या इन्फ्लुएंस, ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। मेन सेंट्रल इसका मीनिंग है बहुत ज्यादा या हाई इंपैक्ट, किस पर, स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर आप बिल्डिंग का याद करो, वैसे ही ऐसे स्ट्रक्चर जो है
हमारा जो इकोसिस्टम का बनता है, जहां पर यहां आप देखते हो ग्रास आ जाता है, लार्ज हो टॉप प्रीडेटर आ जाता है, जैसे टाइगर आ जाता है ना, वो निचले वाले को खाता है, निचले वाले को खाता है, निचले वाले को ऐसे खाता है ना। तो ये इंटरेक्शन है, हायरार्की बनी हुई है, ये कॉम्पोजिशन है। तो ये कॉम्पोजिशन जो है सारी डिपेंड करती है कीस्टोन स्पीशीज हैं, तो उनकी फंक्शनिंग भी। यहाँ पर ये रहा फंक्शन के साथ, जब ये तो सेंटेंस पक्का याद होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो फंक्शन जब भी आता है तो साथ में ही नया कंसेप्ट लर्न करना पड़ेगा, फंक्शनल रिडेंसी, इसको अभी आगे चल के लर्न करते हैं। तो ये हो गया टोटल क्या है, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी। बार बार कम्युनिटी को, ह्यूमन कम्युनिटी नहीं है, जो इन स्पीशीज की कम्युनिटी है। तो ये प्रभावित किसको अल्टीमेट करती है, स्टेबिलिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्टेबिलिटी। तो बाकी सारे स्टोन की स्टेबिलिटी जो है इसी स्टोन पर टिकी हुई है, ऐसे ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि उसका इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप को कभी इंपॉर्टेंट लीडिंग रोल कहा था, लेकिन सबसे ज्यादा लीडिंग रोल इवन डिफाइनिंग, एक वर्ड और एड कर लीजिए यहां पर डिफाइनिंग रोल, विदाउट इट यू कैनॉट डिफाइन इकोसिस्टम। ये इतने सेंट्रल होते हैं। तो हमने लर्न कैसे किया था, स्टोन से स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एस से स्टेबिलिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और फंक्शन से फंक्शनल रिडेंसी, उसका मीनिंग आगे चल के करते हैं। और ये एम से मैंने लिया है मेंटेन बैलेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो फीचर यहां आके कंट्रोलिंग इकोसिस्टम उससे भी जाके जुड़ता है। मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इसका क्या है, क्लोज टू अम्ब्रेला स्पीशियस, वेरी क्लोज टू अम्ब्रेला स्पीशियस। तो इसका डिफरेंस समझने के लिए मैं तीन वर्ड लिखता हूं, जैसे इंग्लिश के एफ जी एच, इंग्लिश में अल्फाबेट आते हैं ना, एफ से फूड। ये देखना है कि फूड वेब को ज्यादा प्रभावित कौन करता है, कीस्टोन या अम्ब्रेला, कीस्टोन ज्यादा प्रभावित करता है। ज्योग्राफिकल रेंज किसकी ज्यादा होती है, अम्ब्रेला स्पीशीज की ज्यादा होती है। हैबिटेट, अम्ब्रेला स्पीशीज को हैबिटेट ज्यादा चाहिए, और एक माइग्रेटरी जो स्पीशीज हैं वो अम्ब्रेला टर्म में शामिल है, लेकिन कीस्टोन स्पीशीज में जनरली माइग्रेटरी स्पीशीज शामिल नहीं होती। तो अब ये देख लें कि फंक्शनल रिडेंसी क्या होती है। फंक्शन मैंने रोल जो काम करना है, रिडेंसी का दूसरा, फंक्शनल रिडेंसी का दूसरा वर्ड इसके लिए फंक्शनल इक्वलेंस। इक्वलेंस से बहुत ज्यादा आसान है सिमिलर, है ना, जहां सेम रोल। तो ये क्या बना, इसका मतलब क्या बना, सिमिलर रोल। कौन सिमिलर रोल, मान लीजिए एक इकोसिस्टम में स्पीशियस 1, 2, 3, 4, 5 मैंने 8 लिखे हैं यहां, 10, 20, 25, है ना, 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। उनका रोल, रोल की फंक्शन मीन रोल, यहां पर लिख रहा हूं रोल, ये लिखा रोल। रोल की एक एग्जांपल क्या ली है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। फंक्शनल, फंक्शनल मीन फंक्शन का अर्थ यहां पर लिख लेंगे रोल, वर्क क्या करते हैं। रिडेंसी का दूसरा नेम फंक्शनल रिडेंसी के साथ दूसरा मीन है इक्वलेंस, फंक्शनल इक्वलेंस भी इसको बोलते हैं। इक्वलेंस से हमें बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, जैसे पियाजे की थ्योरी में पढ़ते हैं सिमिलर, सिमिलर, ओके। तो ये क्या बन गया, सिमिलर रोल। फंक्शनल रिडेंसी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल स्पीशियस होते हैं, जैसे काफी नंबर मैंने यहां लिखे हैं, यहां पर 1000-2000 तक नहीं लिख सकता था, तो उनका वो रोल सेम अदा करते हैं, सिमिलर है। एग्जाम्पल मैंने रोल की क्या ली है, ये वाली पॉलिनेशन, ये इजी एग्जाम्पल है पॉलिनेशन की, कि एक फूल के बीज, सिंपल भाषा में है कि एक स्पीशियस ये जो है यहां से रस पिया और यहां से बीज लेके यहां दूसरे में इसने डाल दिया, तो ये एक रोल है, स्पेशल रोल है, ओके, फंक्शन है। क्या ऐसा फंक्शन करने वाले किसी इकोसिस्टम में बहुत कम
वेरी लेस स्पीशियस है नंबर ऑफ या लार्ज नंबर है उनका। अगर लार्ज नंबर है, यहां पर लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लार्ज नंबर है उसका, तो एक एक्सटिंक्ट हो गया, पेस्टिसाइड डाली हमने, कुछ भी ऐसा किया कि ये खत्म हो गया, ये तीसरे वाला ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, 3-4 खत्म हो गए, लेकिन वो रोल अदा करने वाले बाकी सर्वाइव कर रहे हैं। जब लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज हैं जो सिमिलर रोल अदा करते हैं तो हाई फंक्शनल रुडेंसी उसको बोलते हैं। तो हम कीस्टोन स्पीशीज में ये समझ लें कि इसमें सेम रोल अदा करने वाली स्पीशीज बहुत कम होती हैं या लेस होती हैं, जिसके कारण फंक्शनल रिडेंसी भी लो होती है। मतलब अगर के मान लीजिए मैंने इतने यहां स्पीशीज लिखे थे और ये उड़ा दिए कि पहले 10 लिखे थे, 10 की जगह पर अब मैंने बहुत कम लिख दिए, 2 लिख दिए कि 1 और 2 ही थे। अगर एक उड़ जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो दूसरा रोल उसका अदा करने के लिए बहुत कम हो जाएगा। अगर वो भी उड़ गया, उसका भी हमने नुकसान कर दिया है ना, तो फिर वो रोल अदा कोई नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई की स्टोन जो है वो सेंट्रल वाला स्टोन है वो खत्म हो जाएगा और सारी बिल्डिंग गिर जाएगी और इनस्टेबल हो जाएगा, बैलेंस इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी ये इंपॉर्टेंट फीचर है। कीस्टोन स्पीशीज इज वन ऑफ हुज प्रेजेंस एंड एब्सेंस इन इकोसिस्टम कॉज सिग्निफिकेंट चेंज, ये अगला फीचर आ गया, वहां लिख सकते हैं, इन द अबंडेंस और अक्रेंस ऑफ एट लीस्ट वन अदर स्पीशीज। ये फीचर अभी किया, कीस्टोन स्पीशीज हैव लो फंक्शनल रिडेंसी। अमेरिकन बीवर एग्जाम्पल है, कीस्टोन इट एग्जर्ट टॉप डाउन इन्फ्लुएंस, यहां पर किया था टॉप डाउन इन्फ्लुएंस। ये वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा, प्रीडेटर। प्रीडेटर है जो दूसरे एनिमल को किल करता है, खाता है, तो जिनको खाता है वो प्रे एनिमल है। अब अमेरिकन बीवर देखिए, ये जो उस एरिया में लार्ज पॉपुलेशन है, बेशक वो ट्रीज हैं जहां लिविंग एनिमल्स हैं, उनको कंट्रोल है, उनको रेगुलेट करता है, तो ऐसे मेंटेन बैलेंस मेंटेन होता है। बंगाल टाइगर जिसकी एग्जांपल हमने फ्लैगशिप में भी ली गई, जब उसको सिंबल और लोगों को मोटिवेट करने के लिए आइकन लोगों के तौर पर यूज किया जाएगा, तो वो फंक्शनल सॉरी फ्लैगशिप स्पीशीज है। जब उसके रोल ऐसे दूसरी पॉपुलेशन जो अधिक बढ़ जाए उसको कंट्रोल करना है। अनदर एग्जांपल है प्रे स्पीशीज या प्रे एनिमल्स की, जिनकी गिनती बढ़ सकती है, तो वो वहां के इकोसिस्टम के लिए इम्बैलेंस है। तो टाइगर उनको मार के खा के उनकी गिनती कम कर देता है, कंट्रोल कर लिया, रेगुलेट कर लिया और बैलेंस मेंटेन कर दिया। ऐसे ही इंडियन एलिफेंट, दे शेप द हैबिटेट बाय क्रिएटिंग ट्रायल्स, क्लियरिंग वेजिटेशन, डिस्पर्सिंग सीड्स थ्रू देयर फीडिंग एंड मूवमेंट पैटर्न्स। तो ये जो नेचुरल उनका रोल है, तो उस वहां के इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में इतने रोल अदा कर रहा है, अगर उनको खत्म कर दिया जाएगा तो ये रोल कौन अदा करेगा, वो जो कीस्टोन है वो गिर जाएगा। एलिफेंट ऑल्सो डिग वाटर होल्स दैट बेनिफिट अदर वाइल्ड लाइफ ड्यूरिंग सीजन्स। देखिए कितना प्यारा काम है, उसने वाटर में डिग होल्स किए लेकिन वहां पर आके दूसरे पंछी आके रहने लगे। अच्छा ये यहां पर अम्ब्रेला, यहां पर जो अम्ब्रेला स्पीशीज हैं वो इनडायरेक्टली अदर स्पीशीज को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कीस्टोन स्पीशीज नहीं करते, वो भी करते हैं। ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यहां पर आप FGH का फार्मूला याद रखोगे डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के लिए।